तो हेलो गाइस, क्या चल। तो आज हम वापस से खेलने वाले फिर एक बार एक न्यू हॉरर गेम जो की होने वाला आइसक्रीम चैप्टर 8, जिसमें कि आज हम फाइनल स्किप करने वाले क्योंकि ये इसका लास्ट और फाइनल चैप्टर है, जिसमें कि आज हम ट्राई करेंगे कि हम रॉक की फैक्ट्री से स्किप कर जाए, जो कि भाई हम चार फ्रेंड इस फैक्ट्री में फंसे हुए तो हमें स्किप करना होगा। तो लेट्स गो, अभी हमारी गेम स्टार्ट हो चुकी है और मैंने स्टोरी को बीच में ही कट कर दिया था क्योंकि भाई तुम लोग देखते नहीं हो, तो फिलहाल इसीलिए मैंने स्टोरी को बीच में कट कर दिया था और मैंने यहाँ से स्टोरी दिखानी स्टार्ट कर दी। और ये भाई रॉक दरवाज़ा पीटने में लगा पड़ा है अपना। फिलहाल एक इनमें से सिलेक्ट हो चुका है जो कि मैं ही हूँ और मुझे कुछ ना कुछ करके तो यहाँ से जल्दी निकलना पड़ेगा वरना रॉक दरवाजा तोड़ देगा और वो अंदर की साइड आ जाएगा था। तो लेट्स गो, अभी मुझे सामने क्रोबार दिख चुका है और ये पता नहीं कौन सा करंट वायर रॉक को लग सकता है, पर वो वाला अभी मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे सामने क्रोबार है। तो सबसे पहले क्रोबार को लेते हैं और एक नीचे की साइड जो ढक्कन सा ये शायद से खुल सकता है और ये हम इसको अनलॉक भी कर सकते हैं। जैसे ये खुल जाएगा हम इसके नीचे से जा सकते हैं। पहले तो सोफे को हटाओ सब फटाफट। तो अभी मैंने सोफे को हटा दिया है और अभी मैं इसको अनलॉक करता हूँ फटाफट। इसको खोलते हैं लीड को और इसके नीचे से हम सीधा शायद से कहीं जा सकते हैं या तो स्केप ही कर जाए, क्या पता, मुझे नहीं पता। क्या एक मिनट में हम स्केप कर सकते हैं, मुझे तो नहीं पता, आप देखते हैं। इसने सबको बोल दिया, चार्ली जैक जो जितने भी हैं सब आ जाओ अंदर और कूदो फटाफट क्योंकि रॉक आने वाला है भाई। कि रॉक ने दरवाज़ा बहुत कमज़ोर कर दिया और शायद से अभी वो अंदर की साइड भी आ चुका है और देखते हैं कि वो क्या करेगा। फिलहाल वो तो हंसते हंसते अंदर की साइड तो आ चुका है भाई, अभी भी हंसने में लगा पड़ा है। यानी इसके पास अभी कोई तो ऐसा तरीका होगा जिससे कि हमें रोक सकता है, लेकिन अभी इसका दिमाग पूरी तरीके से ख़राब हो चुका है क्योंकि भाई हम चारों के चारों यहाँ से भाग चुके हैं और ये यहाँ पर कुछ तो कुछ छेड़ रहा है, यानी कुछ तो गड़बड़ है। यानी अभी ये इतनी जल्दी हार नहीं मानने वाला, ये अभी भी हमें रोक के रखेगा और कुछ ना कुछ तो करेगा जिससे कि हमारी अभी यहाँ पर बैंड बजने वाली। फिलहाल देखते हैं अभी ये क्या कर रहा है। अभी ये बिल्कुल छो में आ चुका है, पता नहीं अब इसका अगला मिशन क्या है हमें रोकने का। भाई इस बार तो हमें जाने दे यार, तूने बहुत चैप्टर से रोक लिया, इस बार इसने नीला बटन दबा दिया और इस नीले बटन से पता नहीं क्या होगा। वेट, इससे सारे शटर्स और डोर बंद हो चुके जिससे कि हम यहाँ से जा ना सके। भाई ये बहुत ज़्यादा तेज है। तो अभी फिर एक बार हम वापस से फंस चुके हैं और ये बेचारा भाई हाँप रहा है बिल्कुल कि भाई मैं बाल बाल बचा उससे, पर अभी हम बचे नहीं यार। अभी हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा और इसमें से किसके पास कोई तो आइडिया होना चाहिए क्योंकि हमें अभी भी हम यहाँ से स्केप नहीं किए क्योंकि अभी बहुत टाइम लगेगा हमें स्केप करने के। लेकिन भाई इसने मैप का टुकड़ा निकाल दिया जो कि बहुत ही ज़्यादा समझदारी वाली बात है। इसने कुछ ना कुछ तो जुगाड़ रखा है और ये कह रहा है कि हमें चार जनरेटर हैं जो कि फ्यूज़ करने होंगे जिसके बाद कि ये सारे के सारे डोर्स और शटर्स अपने आप अनलॉक हो जाएंगे और हम यहाँ से ईजिली स्केप कर सकते हैं। तो लेट्स गो, अभी ये वाला मिशन पता नहीं कौन करेगा। हम चार हैं तो चारों में से कोई भी कर सकता है। तो मुझे लग रहा है कि जेली करेगा, जैक करेगा, मुझे नहीं पता, देखते हैं कि कौन करेगा ये। तो लेट्स गो, ये ज़्यादा एक एक्साइटमेंट बन रहा है तो शायद से यही ये सब कुछ करने वाला है। लेट्स गो, हाँ। तो अभी मैं शायद से सेलेक्ट हो चुका हूँ, पर मैं यहाँ पर कुछ नहीं करने वाला बल्कि मैं कहीं और सेलेक्ट होने वाला हूँ। ये तीनों तो भाई अपना मजे में यहीं वैन के अंदर रहेंगे बल्कि मुझे करना है। तो अभी मैं सेलेक्ट करने वाला हूँ गैराज, तो सबसे पहले गैराज में चलेंगे। लेट्स गो। तो फाइनल गाइस, मैं अभी आ चुका हूँ गैराज में और ये खड़ा हो चुका है क्योंकि अभी चश्मे वाले का करेक्टर मेरे हाथ में आ चुका है। तो फटाफट अभी चलते हैं बाहर और ये तीनों अंदर रहने वाले क्योंकि इनको मुझे सेफ रखना होगा, वरना अगर ये सेफ नहीं रहते तो भाई मेरा भी काम खराब हो जाएगा बल्कि मुझे फिर इनको बचाना पड़ेगा। तो फिलहाल अभी बाहर की साइड चलते हैं, यहाँ एक हैंड का वो आ रहा है तो इस साइड से मुझे यहीं पर जाना है। तो लेट्स गो, जहाँ पर यहाँ जाना है और यहाँ मुझे कुछ पिछला रेवेन्यू दिखाया जा रहा है पर मुझे उसका कोई मतलब नहीं है। मैं सब फटाफट चलता हूँ बाहर। तो लेट्स गो, अभी मैं बाहर तो आ चुका हूँ पर वापस से एविलन यहाँ क्या करने आ गई। भाई इसका पुराने गेम में तो मेरे से स्केप नहीं किया गया लेकिन ये यहाँ भी टपक पड़ी। भाई इतनी गुस्से में देख रही, वाह, लगा ये बहुत ज़्यादा गुस्से में क्योंकि पिछली बार मैंने इसका बहुत अच्छे तरीके से मुंह तोड़ा था। अगर तुमने नहीं देखा तो भाई तुम मेरी पिछली वाली वीडियो देख सकते हो जो कि मेरे चैनल पे तुम्हें मिल जाएगी। अब भी यहाँ से हम निकल लेते वरना ये हमें निकाल देगी हमेशा के लिए। बेटा इतनी बस की ना, क्योंकि ये तेरा स्कूल नहीं है बल्कि ये आइसक्रीम तेरे लड़के का वो है, इसीलिए तू हमें कुछ भी नहीं कर सकती। और आजा मेरे पीछे, आज मैं तेरी जो बची खुची हड्डियाँ हैं वो भी तोड़ दूंगा क्योंकि तू अब बहुत ज़्यादा बुढ़िया हो चुकी है और तुझे इतना एरोगेंट नहीं होना चाहिए वरना तेरे साथ आज बहुत बुरा होगा। भाई बहुत ज़्यादा क्लोज आ गई बातों की बातें में, हटाओ हटाओ जल्दी घुसो अंदर की साइड वरना हमारी बैंड बच जाएगी अभी भी। फिलहाल अभी अभी मैं अंदर तो आ चुका हूँ। लेट्स गो, अभी उन तीनों को बोलते कि भाई आ जाओ, मैंने आ चुका हूँ जनरेटर वाले हॉल में। तो लेट्स गो, अभी फिलहाल देखते हैं उनको क्या बोल तो रहे। वो कमांड हो चुकी है और वो तीनों के तीनों यहाँ आ चुके हैं। तो अभी फसायस से मुझे इनमें से लीसा के पास जाना है, तो अभी चलते हैं लीसा के पास। लीसी नाम है शायद, लीसी लीसा नहीं है, लीसी है। तो इससे हमें क्रोकोडाइल का अंडा लेना है और उसके घोंसले में ला के रखना है। भाई मरने का शौक हमें ही है क्या। फिलहाल अभी मुझे बाहर एविलन भी है, उसका भी ध्यान रखना है और इस क्रोकोडाइल का अंडा क्रोकोडाइल के घोंसले में ले जाकर रखना है। फटाफट चलते हैं क्योंकि हमें जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी यहाँ से स्केप करना है। तो फटाफट चलते हैं एविलन को, सबसे पहले मैं देखता हूँ कि वो है कहाँ।
और वो अभी भी उस दरवाजे के पास खड़ी है, लेकिन शायद से अभी इसका भाई ये क्रोकोडाइल क्या कर रहा है इसकी ऐसी की तैसी, लेकिन अभी एवेलिन वहीं पर खड़ी है। शायद से इसका साउंड सेंस अब पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है, क्योंकि जब हम इसकी स्कूल में घूमते थे तो ये बहुत जल्दी आ जाते थे, पर अभी इसका वो वाला मैटर नहीं चल रहा, बल्कि ये अभी अलग ही सोया है। मैं भाई सबसे पहले क्रोकोडाइल उधर जा चुका है, बेटा अभी मुझे मत खाना, मैं तेरे अंडे ही वापस कर रहा हूँ बेटे, तू इतना तेज मत बन। अभी फ़िलहाल मुझे यहीं पर वो की ला के लगानी, जैसे ही मैं 3 अंडे यहाँ पर पूरे करता हूँ मुझे वो की अपने आप मिल जाएगी, क्योंकि क्रोकोडाइल जो है वो जाके अपने घोंसले में बैठ जाएगा और मुझे वो की अनलॉक करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो फटाफट अभी चलते हैं, नन तो बेचारी अपना इंतजार कर रही है मेरा कि मैं कब निकलूँगा बाहर और वो मुझे कब सर फोड़ेगी, पर ऐसा नहीं होने वाला, ये तेरा स्कूल नहीं है बल्कि तेरे बेटे का वो है, जो कि मैं कई बार बोल चुका। फटाफट अभी चलते हैं और मुझे इसका ध्यान भी रखना है भाई, ये कभी भी धोखा दे सकती है, क्योंकि इसका कभी भी कोई भरोसा नहीं है, हमेशा धोखा देती है तो इस बार भी धोखा देगी। तो भाई अभी मेरे को शायद से अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा रुकना पड़ेगा, क्योंकि यार ये क्रोकोडाइल जो बहुत ही ज़्यादा दिमाग ख़राब कर रहा था। फिर मैं 2 मिनट वेट करने के बाद भाई मैं फाइनली इससे पीछा पूछा छुड़ा के यहाँ इसके अंडा रखने आ गया, क्योंकि भाई मैंने बहुत देर तक वेट किया जब जाके इधर उधर से निकला, वरना तो भाई ये मुझे जीने नहीं दे रहा था। जैसे ही मैं अंडा रखने आता था शायद वो स्पीड में आकर मेरे को खाने की सोच रहा था, भाई मैं इसकी हेल्प कर रहा हूँ और ये मेरे को खाने के फिराद में। तो फटाफट अभी चलते तीसरे वाले अंडे की तरफ, जो कि मैंने देख लिया था कि कहाँ पर है। फटाफट चलते रॉक की ये जो बड़ी पोस्टर है इसी के पीछे वो रखी पड़ी, और भाई इतना बड़ा जो इसका ये है गैराज, वो भी उसने अपनी पोस्टरिंग से बना रखी है। फिलहाल अभी यहाँ पर वो रखा पड़ा है, तो इसको भी लेके चलते हैं फटाफट और उसके घोंसले में रखता है। तो अभी मुझे पता चल गया कि मुझे कैसे रखना है, और ये चाबी मुझे कलेक्ट करनी है जिससे कि वो शायद पूरा वो अनलॉक हो जाएगा। फटाफट अभी हम जितनी जल्दी हो सके चलते हैं। और एवेलिन तो बेचारी व्यस्त है अपनी मेरे को देखने में, क्योंकि भाई वो सोच रही कि ये कभी ना कभी तो निकलेगा, पर ऐसा थोड़ी ना होगा यार, इसमें 2 दरवाजे हैं। एवेलिन को यही तो नहीं पता, इस गेम डेवलपर ने भाई एक ही गलती की कि एवेलिन को व्यस्त कर दिया। तो लेट्स गो, अभी थोड़ी देर वेट करते हैं, अभी क्रोकोडाइल बेचारा वहाँ जा चुका है, भाई चला जा यार, क्यों तू अपना दिमाग ख़राब करने में लगा पड़ा है। तो फटाफट अभी रखते हैं क्रोकोडाइल बेटे, यहाँ से निकल ले जितनी जल्दी हो सके, वरना तेरा सर फूट जाएगा आज। तो लेट्स गो, अभी क्रोकोडाइल अपना शांति से बैठा रहेगा अपने घोंसले में, क्योंकि उसके मैंने तीनों के तीनों अंडे दे दिए फटाफट, क्योंकि ये सोची चाल थी यार, मैं क्या बोल रहा हूँ, वेट चलो हटो साइड करो इसको। तो सबसे पहले हम यहाँ से चाबी कलेक्ट करते हैं, क्योंकि अब क्रोकोडाइल मुझे बिल्कुल भी तंग नहीं करने वाला है, बल्कि अब मेरा ही सब कुछ चलेगा। तो लेट्स गो, अभी क्रोकोडाइल यहाँ से शायद से 200 किलोमीटर दूर हो चुका, और इस चाबी को कलेक्ट करने में इतना टाइम क्यों लग रहा है, भाई चाबी है या चाबी का हथौड़ा है मुझे नहीं पता। फिलहाल ये अभी मेरे हाथ में आ चुकी, तो फटाफट चलते हैं उन तीनों के पास और देखते कि वो मुझे अभी क्या करने को बोलेंगे। वैसे एवेलिन बेचारी यार अब मुझे इस पे कुछ ज़्यादा ही वो आ रहा है, क्योंकि यार अभी भी बेचारी मुझे देखने में लगी पड़ कि मैं जा रहा हूँ कि नहीं। तो अभी फटाफट चलते हैं अंदर की साइड, और इस दरवाजे को अपने आप ही ये बंद हो जाएगा, क्योंकि स्टोरी एक्सप्लेन होती है इसमें। तो फटाफट अभी मैं 300 पूछता हूँ कि भाई मुझे करना क्या है इसका, इस चाबी का वेट, अभी मुझे पता तो था चाबी का करना क्या है, पर फिर भी मैं आ गया यहाँ पर, क्योंकि भाई मैं बेवकूफ़ से भरा पड़ा हूँ, इसीलिए मैं वापस नीगी के पास आ गया था। मुझे पता था कि इसको कहाँ लगाना है, फिर भी मैं यहीं पर आ गया, पता नहीं क्या करने लग गया। फटाफट अभी इसको डोर को बंद करते और यहाँ पर चाबी लगाते और सामने वाली डोर को अनलॉक करते, जिससे कि हम यहाँ से वैन को बाहर की साइड ले जा सके और उस जनरेटर बॉक्स का वो फ्यूज़ कर सके। फिलहाल अभी ये ऑन हो चुका है, फटाफट चलते हैं अभी। तो अभी मैं वापस से इन तीनों के पास जाने वाला हूँ कि अगला मिशन हमारा क्या है, इनसे पूछना पड़ेगा यार। अभी थोड़ी देर वेट करें, तो इसको डोर अपने आप ऑटोमेटिकली बंद हो चुका है, तो अभी इनसे पूछता हूँ, लेट्स गो, किससे पूछूँ मुझे नहीं पता, पर मैं अभी यहाँ पर कुछ तो है ऐसा जो कि मैं इनसे पूछ सकता हूँ। तो फिलहाल अभी भाई मैंने पूछा नहीं, बल्कि मुझे थोड़ी देर बाद पता चला कि जो येलो वाला बंदा है कि भाई वो सिर्फ गायब तो थोड़ा दिख रहा है, फिर मैंने उसको ढूंढने के बाद मुझे पता चला कि भाई ये यहाँ पर पड़ा है, इसने शॉर्ट गन जुगाड़ लगा रखा था, क्योंकि हमें वो बटन को तोड़ना है जो कि वैन का डोर को खोल सकते हैं। फिलहाल ये अभी शॉर्ट गन इससे लेते हैं, फटाफट चलते हैं, लेट्स गो। तो अभी मुझे पता चल गया था ये मुझे क्या करना है, क्योंकि भाई ये गायब था, इसीलिए मुझे पता चला कि ये तो गायब है, इसका ये कहाँ पर है। फिलहाल ये तो मुझे मिल चुका है, लेट्स गो। तो अभी मैं सबसे पहले इस क्रोकोडाइल का मुंह तोड़ता हूँ, क्योंकि भाई इसने मुझे बहुत तड़पाया और बहुत सताया, तो इस क्रोकोडाइल के चक्कर में मुझे भाई एड्स देखना पड़ेगा, क्योंकि मैंने अपने सारे के सारे एमओ इसी पे वेस्ट कर दी। फिलहाल अभी मैं एमओ वेस्ट नहीं करने वाला, फटाफट चलने वाला हूँ वहाँ पर जहाँ कि मुझे इस सीसीटीवी के स्विच को तोड़ना है, जिससे कि ये डोर खुल जाए और मैं वैन को यहाँ से निकाल सकूँ। इसको अभी यहाँ से तोड़ देते हैं इसको फटाफट। तो ये फटाफट अपनी वैन में बैठते और देखते कि क्या होता है, क्योंकि भाई मैंने वो ब्लास्ट कर दिया, तो अभी वैन पर बैठते और आगे चलते हैं। तो लेट्स गो, अभी स्टोरी वापस एक्सप्लेन होगी क्या। तो ये चढ़ रहा है ऊपर की, क्योंकि ये इसी को अब इसका करेक्टर मुझे संभालना है और वो सारी की सारी चीज़ें डिस्ट्रॉय करनी है, जो कि मुझे अभी पता नहीं है, और उसको डिस्ट्रॉय करनी। तो फिलहाल अभी ये लोग वैन लेके आ चुके, तो फटाफट इस वैन में बैठते और चलते वहाँ सब कुछ डिस्ट्रॉय करते, जिससे कि ये वाला जनरेटर बिल्कुल फ्यूज़ हो जाए, और कम से कम एक जनरेटर फ्यूज़ होकर हमारा दरवाज़ा तो अनलॉक हो जाए भाई।
तो लेट्स गो, अभी यहाँ से फटाफट चलते हैं आगे की साइड और आगे का मिशन पूरा करते हैं। कि जैसे ही हम इसको कंप्लीट कर देंगे, जैसे ही हमारा काम हो जाएगा पूरा का पूरा कंप्लीट, तो लेट्स गो। अभी फाइनली मैं उधर पहुँच चुका हूँ जहाँ की मुझे इन सभी को डिस्ट्रॉय करना है और उनको अपने हाथों से वो करना है। तो फटाफट अभी हम आ चुके हैं यहाँ पर, और यहाँ पर रॉक के बहुत ज़्यादा रोबोट्स जो होने वाले वो भी होने वाले, और उनका हमें ध्यान रखना है कि वो हमारे वैन की तरफ ना जाए वरना वो हमारे वैन को ब्लास्ट कर देंगे, और साथ ही साथ हमें फिर से रिकअप करना पड़ेगा। तो लेट्स गो, अभी मुझे पता चल गया कि मुझे क्या करना है। तो ये तुम्हें बैंडेज जैसे जो दिख रहे हैं इनको हमें डिस्ट्रॉय करना है फटाफट। तो अभी भाई इन रोबोट्स को भी मुझे डिस्ट्रॉय करना होगा, जब भी हम यहाँ से फटाफट इन सभी को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, वरना भाई ये हमारे पास आ गए तो भाई ये आ रहा है बिल्कुल मेरे मुँह के करीब। इसको भी डिस्ट्रॉय करो, इसको भी डिस्ट्रॉय करो। अभी ये बार रह चुका है, तो लेट्स गो, अभी चलते वैन को आगे लेके। अभी भाई मुझे थोड़ी देर तो समझ नहीं आया कि भाई मैंने तो कर तो दिया, लेकिन भाई दोनों बैंडेजेस को हमें तोड़ना होगा जब भी हम कुछ कर सकते हैं। फिलहाल मैंने इनको वापस से निशाना लगाया और इनको ब्लास्ट किया, जब मुझे पता चला कि हाँ ये ब्लास्ट ऐसे होते ना कि वैसे। तो लेट्स गो, अभी हमारी रिकवर मशीन रिकवर हो रही थी और भाई ये मेरे मुंह पे आ गया बातों ही बातों में। इसकी ऐसे कहते हैं भाई रोबोट्स भी बहुत खतरनाक है इसकी रोक के, तो इसको भी फोड़ते और चलते यहाँ से आगे। तो लेट्स गो, अभी हमें दूसरी साइड से करना है ये सही सेम चीज़ हमें करना है। जैसे ही ये सारा का सारा डिस्ट्रॉय हो जाएगा वैसे ही हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा पूरे तरीके से। इसी कारण हम एक जनरेटर को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। फिलहाल अभी हम यहाँ सुबह, तो इधर साइड से मैं इन सभी को डिस्ट्रॉय कर देता हूँ। तो अभी मैं दिन में दो दो निशाने लगाने वाला हूँ, मेरा निशाना भी बहुत कच्चा हो चुका है। और बेटा तू तो निकल ले यहाँ से, मिनी रोबोट तेरी बस की ना है, मैं मारना। रुको भाई ये बिल्कुल आ चुका है, बेटा रुक जा एक सेकंड भाई, इसी की तो बात कर रहे थे, ये कुछ ज़्यादा डेंजरस होते जा रहे हैं। जैसे मैं थोड़ा बहुत डिस्ट्रॉय क्या करने लगा, इनकी तो हवा टाइट होने लगी। बस यहाँ पर रोक ना आ जाए वरना तो भाई और ख़तरनाक सिचुएशन बन जाएगी। फिलहाल अभी ये बंदा वापस से आ रहे, भाई इनकी बस की है नहीं, फिर भी यार दौड़े दौड़े चले आ रहे हैं। फिलहाल अभी मैंने यहाँ का काम तो कर दिया, भाई वैन आगे ले ले। अभी भाई ये वैन क्यों नहीं आगे ले रहा यार, मुझे पता नहीं, पर रोबोट आ रहे, भाई वैन आगे ले ले यार क्यों। अच्छा अच्छा वो ऊपर रह गया, भाई रुको यार मैं अभी पागलों की तरह कर रहा हूँ, ऊपर रह चुका है फिर भी मैं वैन आगे भगा देगी कह रहा हूँ। तो फिलहाल अभी यहाँ का काम हो चुका है, तो फटाफट अभी वैन को आगे लेके चलते हैं, लेट्स गो। तो अभी इधर साइड से हमें डिस्ट्रॉय करना है इन सभी को। तो अभी ये जैसे वैन रुकेगा फटाफट मैं सभी को डिस्ट्रॉय करके हम एक जनरेटर को तो आराम से फ्यूज कर सकते हैं, फिर हमें जाने आगे वाले मिशन में। तो लेट्स गो, अभी यहाँ पे फटाफट डिस्ट्रॉय करते हैं, डबल निशाना मारते हैं। तो अभी दो हो चुके हैं, अभी ये वाला भी डिस्ट्रॉय करते हैं फटाफट। और अभी थोड़े यहाँ पर मिनी रोबोट नहीं आ रहे, फटाफट कर लेते भाई नाम लिया और ये इधर आ गया, रुक जा तेरी तुझे बहुत जल्दी हो रही ना, चल निकल यहाँ से बहुत जल्दी हो भाई इसको। तो फिलहाल गाइस आज की वीडियो के लिए इतना ही, क्योंकि भाई वीडियो जैसे मैं बना रहा था भाई बहुत ज़्यादा लोग फ़ोन कर रहे थे और भाई मेरा दिमाग ख़राब हो गया, क्योंकि भाई जब भी मैं गेम खेलता हूँ यार कोई ना कोई फ़ोन मैसेज इतने थे वो कर रहे थे, इसीलिए गेम को मुझे यहीं स्टॉप करना पड़ा। और भाई अगर इस गेम को अगर फाइनली स्किप करना हो तो भाई 50-60 मिनट की वीडियो आराम से बन सकती है, अगर एडिटिंग करो 30-40 मिनट तो आराम से लग जाएंगे। इसीलिए इस वीडियो को हम यहीं पर स्टॉप करने वाले, बल्कि इस वीडियो का पार्ट लाने वाले। तो अगर तुम्हें वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और कॉमेंट भी करना नेक्स्ट पार्ट के लिए। तो अभी के लिए इतना ही, बाय बाय। I want you to give.